इस वीडियो में अगर आपको दिखाई दे गूगल प्ले सर्विस विच सम ऑफ योर एप्लीकेशन रिले ऑन इज नॉट सपोर्टेड बाय योर डिवाइस, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चर और असिस्टेंस। तो बेसिकली इस तरीके से इशू लिखा हुआ आता है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैन्युफैक्चरर के पास तो आप कर सकते हैं। ऐसा होता है कि आपकी डिवाइस बहुत पुराना हो जाता है, उसमें गूगल प्ले सर्विसेज वर्क नहीं करता है, गूगल प्ले सर्विसेज की बात ही रहती है, उसमें वो वर्क नहीं करता है, तो बहुत सारी ऐप जो है वहाँ पर बंद हो जाती हैं। ठीक है, वो न्यूज़ में या फिर आर्टिकल्स में या इसकी पॉलिसी में आप पढ़ सकते हैं इजीली। आपको मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वो आपको बता सकता है कि बंद हुई है या नहीं हुई है, या पैचेज नहीं है आपके फ़ोन में, जिससे कि वो गूगल प्ले सर्विसेज आपके फ़ोन में वर्क नहीं कर पा रही। तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए सेटिंग्स में जाकर आप अपने अपडेट को चेक कर लीजिए कि कोई अपडेट तो नहीं है आपके पैचेज में, अपडेट तो नहीं आ गया। अगर अपडेट है तो उसे स्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ऐप्स में जाइएगा, मैनेज ऐप्स में जाइएगा। ठीक है, आपके थोड़ा अलग हो सकते हैं फ़ोन में फीचर, बट यही होंगे। आपको यहाँ पर गूगल प्ले सर्विसेज को खोल लेना है। अगर यहाँ पर आपको अगर डिसेबल्ड मिले तो इनेबल कर लेना होगा, थोड़ा सा अलग सेटिंग्स होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको फिर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, और सेटिंग्स में यहाँ पर क्लियर डेटा कर देना होगा सेटिंग्स का भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आपने गूगल प्ले स्टोर की आईडी बना रखी है तो प्रोफाइल पर जाइएगा, सेटिंग्स में जाइएगा, अबाउट में जाइएगा, और यहाँ पर आपको दिखाई दे गूगल प्ले सर्विसेज वर्जन, गूगल प्ले स्टोर वर्जन, तो इस पर आपको होल्ड करना है। और इसके बाद यहाँ पर अप टू डेट आए तो ठीक है, अगर अपडेट होता है तो अपडेट होने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।